नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 फर्स्ट फेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। दोस्तों, इस कट ऑफ को तैयार करने के लिए हमने 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 5 जनवरी 2021 तक की सभी शिफ्ट्स का एनालिसिस किया है और अलग अलग जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया उनसे हमने बात की और उनका पूरा कंप्लीट रिव्यू जानने के बाद जो एक एवरेज कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जोन हैं और अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होना है। लगभग 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स जो हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी 23 लाख कैंडिडेट्स के लिए 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक की ये शिफ्ट्स का एग्ज़ाम होना है। बाकी कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आगे जारी किया जाएगा आरआरबी के द्वारा और उसके बाद ये एक लंबी प्रोसेस चलने वाली है। इसलिए एग्ज़ाम का जो लेवल जो है वो आने वाले जितनी भी शिफ्ट्स के अभ्यर्थी हैं उनको पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होना है तो नॉर्मलाइजेशन होना तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा। आने वाली शिफ्ट्स अगर डिफ़िकल्ट भी रहती है तो भी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सभी शिफ्ट्स का जो कट ऑफ रहेगी वो एक तरीके से नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जारी की जाएगी। तो इसलिए अभी तक की जितनी शिफ्ट्स हुई हैं उनका क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा, कितने गुड अटेम्प्ट्स रह सकते हैं, उस सब का पूरा एक एवरेज हमने एक निचोड़ निकाला है कि क्या एवरेज अभी तक रह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो चाहिए फर्स्ट स्टेज के लिए वो है आपका जनरल और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 40% है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं भी ध्यान है तो इसको ध्यान रखें। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी तक जितनी भी शिफ्ट्स हुई है 28 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक, तो उनमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हमने एग्ज़ाम एनालिसिस किए और जो कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ हमें मिले एग्ज़ाम सेंटर्स पर, ऑनलाइन माध्यमों से भी हमने बहुत सारे रिव्यूज़ कलेक्ट किए हैं और उसके आधार पर जो ओवरऑल एक डेटा निकल के आता है कि गुड अटेम्प्ट्स अभी तक सब्जेक्ट वाइज कितने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस थे, तो ओवरऑल अगर देखा जाए सभी शिफ्ट्स का गुड अटेम्प्ट्स कितने जा रहे हैं तो 24 से 26 आप मान करके चले, इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो 30 में से जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 26 से 27 क्वेश्चन। ये गुड अटेम्प्ट्स की बात हम कर रहे हैं, कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये गुड अटेम्प्ट्स नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की बात हम कर रहे हैं कि इतने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 में से 29 से 31 गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो अभी तक की शिफ्ट्स में निकल के आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 100 में से आप मान के चल सकते हैं 79 to 84, यानी कि 80 से पीएचसी के बीच गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, ये केवल गुड अटेम्प्ट्स हैं जो कि आप अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो इतने आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले शिफ्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को उस हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा कर ले ताकि इतने अटेम्प्ट्स तो वो कम से कम करें ही, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है अलग अलग जोन्स हैं आरआरबी के, अलग अलग जोन्स हैं और आपने किसी ने अजमेर आरआरबी से अप्लाई किया होगा, किसी ने इलाहाबाद से किया होगा, इसी तरीके से बहुत सारे जोन हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो 2015 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो अलग अलग जोन्स की कट ऑफ भी अलग अलग रही थी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी अलग अलग रही थी। इसके अलावा जो पोस्ट हैं अलग अलग, जैसे कि कमर्शियल असिस्टेंट है,
इसके अलावा आपके गुड्स मैनेजर की है, स्टेशन मास्टर की है, तो इन सभी के लिए भी कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, पोस्ट वाइज भी डिफरेंस रहता है, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ हम यहाँ से देख सकते हैं कि इतनी तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए, इतनी एक कट ऑफ का आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो सभी जोन्स को मिला करके एक एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं। जिन जोन में आपका कंपटीशन लेवल ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हाई भी रह सकती है, और जहाँ पर कम है, नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है या फिर कंपटीशन का लेवल कम है, वहाँ पर कट ऑफ कम भी रह सकती है। तो दोस्तों, एवरेज जो कट ऑफ अभी तक की शिफ्ट्स की निकल के आ रही है वो जनरल कैटेगरी के लिए 79-84 मार्क्स, ध्यान रहे दोस्तों ये मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, 100 में से अगर आप 79-84 मार्क्स लेके आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी की तो 75-78, एससी की बात करें तो 66-72, और एसटी की बात करें तो 63-68। दोस्तों, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनको अगर देखा जाए तो सभी शिफ्ट्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। हाँ, कुछ कुछ शिफ्ट्स में कई सब्जेक्ट्स का, या आप कह सकते हैं सेक्शन में डिफ़िकल्ट लेवल रहा है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में ही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।